नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, जहां झूठ लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, ज्ञान ध्यान के भजनों में सर माना ठीक नहीं होता, और जहां सुनने वाले मुंह रखो वहां गाना ठीक नहीं होता। कह लड्डन सिंह राजबल अब मस्ती का साज घड़ा होगा, आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगते हैं कि भाई किस लिए आए, मुझे बुलवा लिया होता लेकिन आए हो तो आदेश करो मुझे क्या करना है। दुर्योधन कहने लगता है कि मैं तेरे पास में इसलिए आया हूं, मुझे यह बता अगर मैं कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि तू कल के युद्ध की बात कर रहा है, तेरी तो आज जीत हो गई, तू मेरे पास में चल करके आ गया दुर्योधन भाई, तेरी जीत हो गई, तुझे केवल एक काम करना है। क्या? इस युद्ध को यहीं पर रोक दे, इस युद्ध को यहीं पर विराम दे दे, हस्तनापुर के राज को तू कर, नहीं चाहिए हमें हस्तनापुर का राज। और धर्मराज युधिष्ठिर के दिल में भाई के प्रति प्यार भी जागा, और एक बात के द्वारा किस तरह से हाथ जोड़ करके क्या निवेदन करके समझाने लगते हैं, सुनेंगे इस रागिनी के द्वारा कैसे बोला। दुर्योधन हम हस्तनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे, हस्तनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। और दुर्योधन हम नैब करे भारत जब तक सांस रहेंगे, और हस्तनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे, और हस्तनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। बात में सुबह नशीला करे बैठे, बेमतलब की बात बात में सुबह नशीला करे बैठे, हाँ छोटी छोटी बातों का आपस में गिल्ला कर बैठे, हम अपने हाथों अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला करे बैठे, हम अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला करे बैठे। हस्तनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। रागनी पसंद आ रही है तो ताली से अपना आशीर्वाद दे। और दूसरी कली भाई नीरज भाटी प्रस्तुत करेंगे, कैसे बोला।
निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर राजेश यादव जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, एसएस अस्पताल भिवाड़ी से चल करके यहाँ पर आए हैं, वो कृपा करके आए। जी हाँ, आदरणीय डॉक्टर मंजू यादव जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एसएस अस्पताल भिवाड़ी से वो यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार ताली बजा करके उनका सम्मान बढ़ाए, मेरा निवेदन यहाँ पे आ जाए। भाई मोहित जी यहाँ पे ले आए डॉक्टर साहब का सम्मान। जी हाँ, मोमेंटो देकर के, प्रतीक चिन्ह देकर के यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर राजेश यादव जी आए, भाई आपकी तरफ से उनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। माने डॉक्टर साहब, आपने एक ऐसा युवा जनसेवक दिया है इस क्षेत्र को, जिसका बहरोड में भी, कोट कासिम में भी, और इस पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर आपका प्यार सम्मान सहयोग आपसे भी ज्यादा इस मोहित यादव को, आपके लाडले को मिला। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए मंजू यादव जी का। और डॉक्टर साहब, जी हाँ, डॉक्टर राजेश यादव जी अलवर में, भिवाड़ी में, भिवाड़ी में एक बहुत बड़ा अस्पताल, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। हम उनका तहदिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़े जनसेवक हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। तहदिल से धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, गांव सिलपटा की तरफ से धन्यवाद, डॉक्टर जसवंत यादव जी की तरफ से, भाई मोहित यादव जी की तरफ से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। आइए भाई नीरज जी। शुरुआत दी थी पहला, यानी कि पहली लाइन जयवीर भाटी से, दूसरी लाइन नीरज भाटी से, और तीसरी लाइन राहुल बालियान से।
चौथी और पांचवी बचेगी उनको तीनों एक साथ में गा सकते हैं। रागनी और किस्सा कथा पसंद आ रही है तो ताली से अपना आशीर्वाद जरूर देते रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब नेता को और कलाकार को ताड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और डॉक्टर साहब तो ताड़ी बजा करके इतना सम्मान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जानते भी हैं कि ताड़ी बजाने से एक तो खुशी मिलती है इंसान को, और खुशी मिलती है जब हाथ चलते हैं तो सारी क्रिया जो है वो चलने शुरू हो जाती है, इसलिए इंसान के स्वस्थ रहने का भी ये बहुत बड़ा कारण है। तो आइए चौथी और अंतिम कली आपके बीच प्रस्तुत कर रहे कैसे ना जग में मानस, ना जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना, ना जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कह लटन सिंह राज बल हिरदे सुना ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना ही प्या लो दूध सरप पर छूपे न फुंकार बिना, चाहे कितना प्या लो दूध सरप पर छूपे न फुंकार।